जो चीज़ पढ़ेंगे वो बेसिकली हम जो चीज़ डेवलप करना चाहते हैं इस कोर्स में, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, बड़ा फोकस्ड है। फोकस्ड ये है कि तीन एरियाज़ जो हैं वो कवर हों। फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो कंसेप्चुअल ग्रूमिंग हो पहले, यानी कि पहले हम कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो। फिर हम सेकंड सेक्शन के अंदर अगर हम देखेंगे कि लोग जो है आर्ग्यूमेंट्स को ग्रिप कर रहे हैं, तो फिर हम उसको थियोराइज करेंगे। और अगर नहीं, ऐसा हमें लगा कि थियोराइज नहीं हो रहा, हमें लगा कि ये जो है डिस्कशन जो है वो कॉन्सेप्ट्स की कंफ्यूजन की तरफ जा रहा है, तो फिर हम मोड चेंज करेंगे, हम एक दूसरे पैटर्न पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर वो कॉमन ह्यूमन बीइंग है, आम ह्यूमन बीइंग है, और वो लोग हैं जो ज़िंदगी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनको कोई अब ज़रूरत नहीं है डिग्रियों की, और वो एक प्रैक्टिसिंग वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं, रियल वर्ल्ड के लोग हैं, रियल कॉन्सेप्ट्स ही उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव कोर्स का ये है कि लोग जो हैं जिस जिंदगी में हैं उसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करें। यानी कि अंडरस्टैंडिंग के कई लेवल्स होते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो इंसान प्रैक्टिसेस के थ्रू, हिट एंड ट्रायल के थ्रू अंडरस्टैंड करता है, जैसे कि हम सब ने की है। एक होती है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो आप, जो आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है उसको आप बेसिक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के थ्रू आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली जो एकेडेमिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो कंसेप्चुअली ग्राउंडेड होती है, और वो कॉन्सेप्ट्स अपनी फाउंडेशंस रखते हैं, उन फाउंडेशंस के साथ कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लेकिन एक आम आदमी इस तरह नहीं सोचता। आम आदमी जो कॉन्सेप्ट्स बनाता है वो तीन चीज़ों के गिर्द घूमते हैं आम तौर पे। एक आम आदमी का पहला जो होता है वो उस कॉन्सेप्ट की यूज़ वैल्यू होती है, उसकी यूज़ वैल्यू। दूसरा उसकी वर्केबिलिटी होती है, और तीसरा उसकी प्रैक्टिकलिटी होती है। आम तौर पे लोग समझते हैं तीनों एक ही चीज़ के, एक ही चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल होती हैं लेकिन वो उस वक्त प्रैक्टिकल नहीं होती हैं आपके लिए, आप उसको प्रैक्टिस कर नहीं सकते। वो यूज़बल होती हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी पॉसिबल नहीं होती बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल होती हैं लेकिन उनको प्रैक्टिस करने की जो कॉस्ट होती है बहुत हाई होती है, बहुत हाई कॉस्ट होती है। मिसाल के तौर पे आज आप सब सुनते होंगे कि भाई हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक माहौल दरकार है, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। सही है, सारी दुनिया ने इससे एग्री कर लिया कि हाँ होना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोगों को मैकेनिकल जो इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी मैकेनिकल इंडस्ट्री, वो बंद करनी पड़ेगी। तो ये यूज़फुल तो है, आइडियल भी है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल नहीं है। कौन उसकी कॉस्ट बेयर करेगा? लिहाजा कोई भी उसे बंद नहीं करेगा। तो पहली चीज़ जो है, एक आम आदमी जो होता है वो इन तीन कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी को चलाता है। इस कोर्स का जो बेसिक मकसद है उसमें हमने 6 सेक्शंस लिए। देर आर 6 सेक्शंस ऑफ दिस कोर्स। फर्स्ट इज द ह्यूमन नेचर, द सेकंड इज द नॉलेज, थर्ड इज द एथिक्स, फोर्थ इज द पॉलिटिक्स, फिफ्थ इज द रिलीजन, एंड सिक्स्थ इज द साइंस। ये 6 एरियाज जो हैं डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी में, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, या एथीस्ट हो। तो उससे कोई भी जो है इन 6 एरिया से या इन 6 बेसिक कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस हुए बगैर इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहता। वो इंट्रोड्यूस ज़रूर होता है, डिपेंड करता है कि उसका इंट्रोडक्शन थ्रू प्रैक्टिस हुआ है, या इंट्रोडक्शन थ्रू कॉन्सेप्ट हुआ है, या इंट्रोडक्शन थ्रू एकेडेमिक डिस्कोर्स हुआ है, ये इंसान के ऊपर मुनसर है। तो हम इन 6 कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द अपनी गुफ्तगू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी यूज़ वैल्यू उन लोगों के लिए रहे जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में है। दूसरी चीज़ जो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कन्फ्यूजन्स ना हो लोगों को, लोग कन्फ्यूज ना हो जाए।
लोग अपने बारे में जजमेंट पास ना कर दें कि अब तक मैं सारी ज़िंदगी यानी कि फजूल गुजारता रहा या नाकाम ज़िंदगी गुजारी, यानी कि कन्फ्यूजन ना हो। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन आधा घंटा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रहे, जिसके अंदर ये समझ में आ जाए लोगों को कि दूसरों की ज़िंदगी अगर किसी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे पूरी नहीं उतर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बर्बाद कर दी पूरी ज़िंदगी, या वो एक नाकाम इंसान है, वो यहाँ से निकलने के बाद डिसअपॉइंट हो। और कन्फ्यूजन का ये मतलब भी नहीं है कि जो उसकी एग्जिस्टिंग लाइफ है उसमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो जाए। जो मेरा सबसे ज़्यादा सीरियस कंसर्न है वो ये दो कंसर्न है। एक, इंसान अपनी ज़िंदगी को नए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स के थ्रू क्वेश्चन ना कर दे और ये ना कहे कि अब तक तो मैं सब कुछ फजूल करता रहा, और एक नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करे। नई ज़िंदगी कोई ना शुरू करे कभी। नई नई ज़िंदगी एक एक सिर्फ फिल्मों के अंदर होता है, क्योंकि वो डायरेक्टर होता है ना, वो नया नया फ्रेम ले लेता है और एकदम से एक नया इंसान होता है और सब लोग भी बदल जाते हैं। ऐसा 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 ज़िंदगी में नहीं होता। नई ज़िंदगी वो जब इंसान मर जाता है ना, तो उसके बारे में उसके नैरेटिव्स होते हैं, उन नैरेटिव में बताते हैं इनकी ये नई ज़िंदगी शुरू हुई। हालांकि उनकी कोई ज़िंदगी नई नहीं होती, वही पुरानी होती है। जैसे अल्लामा इकबाल के बेटे जो थे, उनका एक इंटरव्यू आ रहा था, तो उन्होंने अल्लामा इकबाल का मर्दे आहन के ऊपर किसी के ने लेक्चर्स वगैरह दिए तो उनको ही बुलवा लिया बेचारों को। तो वो मर्दे आहन से का आइडिया जो अल्लामा इकबाल ने दिया था वो इतना ज़बरदस्त है, और उससे सब लोग इंस्पायर हो रहे थे और चाह रहे थे कि सब लोग वही सुपरमैन बन जाएं, अल्लामा इकबाल के सुपरमैन बन जाएं। तो उनको भी बुला लिया। तो वो बेचारे किस फलसफियाना पिनक में थे कि उन्होंने बताया कि भाई ये अल्लामा इकबाल इस तरह के बिल्कुल कोई नहीं थे, और वो बहुत डरपोक आदमी थे और बहुत डरते थे, और ख़ास तौर पे मुझे तो तकलीफ़ में देख ही नहीं सकते थे, और एक बार मेरे हाथ में चोट लग गई और उससे मैं खून निकल आया, तो खून निकल आया तो बहुत ज़्यादा खून निकला तो लोग परेशान हो गए, तो फैमिली वाले और अल्लामा इकबाल ने जैसे ही वो खून देखा वहीं बेहोश हो गए और वो बेहोश हो गए तो मेरा हाथ तो सबने छोड़ दिया और उनको हॉस्पिटल ले गए। अब ये भाई किसी और को नहीं बताना, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा। तो इशू ये है कि एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है पर्सन। कॉन्सेप्ट पर्सन, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्सेप्ट जो है जो आदमी दे रहा है वो उस पर पूरा उतरता हो। ये सिर्फ पैगंबर होते हैं, पैगंबर होते हैं जो ये करते हैं। वही इसलिए एक्चुअल जेन्युइन सुपरमैन जो होते हैं, उबरमैन्स जो होते हैं, वो प्रॉफिट्स होते हैं, क्योंकि जो कह रहे होते हैं वो कर भी रहे होते हैं। सही है। दूसरे आम आदमी बहुत सारे आइडियाज़ तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जैसे मिसाल के तौर पे एक बड़ा मशहूर फलसफी है कांट, उसने यूनिवर्सलाइजेबिलिटी प्रिंसिपल दिया, और उसने कहा कि पूरी दुनिया जो है वो हर इंसान इंट्रिंसिकली रैशनल होता है। उसके अकल की 12 कैटेगरीज होती हैं, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, काला हो, गोरा हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो, सब सारे इंसान हैं। और उसने बड़ी ज़बरदस्त एक किताब लिखी, और उस किताब को जो है बाइबल ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं लोग, हैं क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। तो कांट जो है एक बार एक कांट अपनी पैदाइश से अपने इंतकाल तक 10 किलोमीटर के रेडियस में रहा, उससे बाहर नहीं निकला कभी भी। जहाँ वो पैदा हुआ था उसके घर के करीबी स्कूल था, वहाँ चला गया, फिर घर के करीबी यूनिवर्सिटी थी वहाँ चला गया, फिर वो कहीं आता जाता नहीं था, वहीं बैठा रहता था और घड़ी के हिसाब से चलता था। भाई बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ। एक बार वो किसी जगह पर खाने पर गया, तो वहाँ पे उनके पास एक अफ्रीकन स्लेव लेकर आए थे। जर्मन्स ने कभी स्लेव नहीं रखे, सही है, स्लेवरी में जर्मन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहे कभी भी। तो जर्मन्स जो थे, कोई भाई होगा बदमाश जर्मन ले आया कहीं से एक स्लेव, तो वो जो काला स्लेव था वो खाना सर्व वगैरह कर रहा था। तो कांट उसको देख के डर गया। कांट ने जिंदगी में कभी इतना काला आदमी नहीं देखा था, और कांट उसको काफ़ी देर तक देखता रहा। उसने कहा ये बिल्कुल इंसान की तरह बिहेव कर रहा है तो लोग तो महफूज करते हैं ना, उन्होंने ये महफूज कर लिया कि कांट बड़ी यूनिवर्सलाइजेबिलिटी की बात करता था। वो अफ्रीकन को इंसान ही नहीं समझ रहा था, उसका ये ख्याल था कि जो ब्लैक्स होते हैं शायद ये दरख्तों पे रहते हैं, जानवरों की तरह रहते हैं।
तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कांट को नहीं थी। तो पहली चीज़ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कोर्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कुछ नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करना सो दैट यू कैन थिंक इन अ मोर यू नो एकेडेमिक मैनर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम उन कॉन्सेप्ट से पूरा नहीं उतर रहे तो हम ये समझें कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद या मतलब नहीं है, सही है। दूसरी चीज़ ये है कि कन्फ्यूजन्स भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो कंसेप्चुअल क्लेरिफिकेशन है, सही है, कंसेप्चुअल कन्फ्यूजन नहीं है। तो उस क्योंकि जो आम आदमी होता है, एक तो इंसान स्टूडेंट होता है ना, जब क्लासरूम के अंदर होता है तो क्लासरूम के जो स्टूडेंट होता है उसकी साइकी अलग होती है। क्लासरूम का जो स्टूडेंट होता है वो कहता है यहाँ पे जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना इंशाल्लाह उसका ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उसे मैं कभी इंशाल्लाह अप्लाई करूँगा, सही है। जैसे फ़र्ज़ किया हम अख़लाक़ियात एथिक्स पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट सब लोग एक काम कर रहे होते हैं, एथिक्स पढ़ने का काम, उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। और वो कहते हैं जब ये जो सर पढ़ा रहे हैं वही इस पर पूरे नहीं उतर रहे, कोई दूसरा इंसान भी पूरा है तो इंशाल्लाह मैं भी। तो वो कोर्स पढ़ता है तो वो एजुकेट होता है, एजुकेट हो रहा होता है, वो एजुकेशन, वो उसका नॉलेज ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो नॉलेज सीकर नहीं होता, वो कोई कंसेप्चुअल क्लेरिफिकेशन पे नहीं आता, वो बेचारा एक एजुकेट होने के लिए आया होता है। आपने ज़िंदगी में पूरी इंसानों की तारीख आप पढ़ लें, कभी ऐसा आपने सुना कि किसी इंसान ने इल्म हासिल किया हो, बहुत इल्म हासिल करने के बाद लोगों ने कहा होगा भाई अब आप आलिम बन गए, मुबारक हो आपको, और उसकी दस्तारबंदी हो गई, जो कुछ भी हो गया, उसके बाद फिर वो आदमी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे गया और जॉब उसको नहीं मिली और उसने अपने आप को सर पीटना शुरू कर दिया और बहुत पीटा अपने आप को कि मैंने क्यों इल्म हासिल किया, और फिर उसने ख़ुदकुशी कर ली। ऐसा कभी नहीं हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में। नॉलेज सीकर नॉलेज हासिल करने के बाद पछताता नहीं है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव नॉलेज इन इट सेल्फ वो हासिल कर रहा होता है। तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी और फिर वो वैसे ही मर गए बेचारे, ना उन्होंने कुछ हासिल किया, ना उन्हें कुछ मिला, ना उनके ऊपर कोई लोग मशहूर हुए वो, लेकिन वो नॉलेज सीख करते, वो नॉलेज सीख करते थे और नॉलेज सीख करते करते मर गए। लेकिन मैं और आप ख़ासतौर पे जब यूनिवर्सिटी के वो एजुकेट होने के लिए आते हैं, वो एजुकेशन हासिल करते हैं सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए। जब वो इंटीग्रेट हो जाते हैं सिस्टम के अंदर तो वो उन्हें पता चलता है वो सब कुछ जो पढ़ाया गया था वो वर्केबिलिटी थी, वो वर्किंग नॉलेज थी, उसमें कुछ काम आ जाता है, कुछ बहुत कुछ वो नया सीखता है जॉब पे जाके, वर्क प्लेस पे जाके, और जो वो सीखता है वो किताबों के अंदर बहुत सारा नहीं भी लिखा हुआ होता, इसी की बुनियाद पे वो फ्लरिश करता है। और दुनिया में ज़्यादातर लोग जिन्होंने वर्क प्लेस पे फ्लरिश किया उन्होंने ट्रांसेंड किया वो जो कुछ उन्हें पढ़ाया गया था, उन्होंने कहा ये सब बेकार है, इस तरह नहीं होगा, ये काम इस तरह होगा। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उससे मुझे खौफ ये लग रहा है कि रास्ते ही कुछ नॉलेज सीकर्स बैठे हैं, तो उसमें जो नॉलेज सीकर है उसमें जाहिर है उनका कोई मकसद भी नहीं है, उनके कोई जॉब भी नहीं है उनका कोई, तो इसीलिए जो नॉलेज सीकर हैं उनको इन इट सेल्फ चूँकि वो सीख कर रहे हैं नॉलेज, लिहाजा उसमें कन्फ्यूजन्स भी हो सकते हैं और चैलेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सीरियस, दे आर इन बिजनेस, दे आर सीरियस इन बिजनेस। इस वजह से मुझे ये डर है कि इसको डोंट टेक इट टू हार्ड, लाइफ इज़ ऑलरेडी वेरी सीरियस, डोंट टेक इट टू सीरियस, सही है, ज़िंदगी पहले ही बहुत सख्त है, उसको मज़ीद सख्त नहीं करना, बेसिक ऑब्जेक्टिव। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जब हम एक फिलोसॉफिकल वॉइस पे होते हैं तो उसमें ये एहतराम के साथ नहीं चलता, सही है। तो नौमान भाई ने जिस तरह एहतराम करता है मेहरबानी, लेकिन ये कि ये जो वॉइस होती है ना इसमें एहतराम को आप एक साइड पर रखें, क्योंकि जो फिलोसॉफिकल एक्टिविटी होती है वो थोड़ी रूथलेस होती है। तो अगर कोई आर्ग्यूमेंट में आपको वीकनेस दिखाई देती है, फ्लॉ दिखाई देता है, तो यू शुड आइडेंटिफाई so that you should know how to identify the limitation of the thought, और उसको वही असल में सीखता है इंसान, एक्चुअली वही सीखता है इंसान। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म रहेंगे, जैसे कोई बुज़ुर्ग हैं जो इल्म के मोती बिखेर रहे हैं और सब अपने मोती समेट रहे हैं और सब अपने अपने हार बुन रहे हैं, तो उसके नतीजे में ये इट विल नॉट गोइंग टू वर्क, वो वर्क नहीं करेगा। दरअसल सब कॉन्टिनेंट में हुआ क्या है, सब कॉन्टिनेंट की जो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ ये है कि
बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स पैदा हुए, लेकिन उन्होंने जो वर्क प्रोड्यूस किया वो कैसा वर्क था, वो इंस्पिरेशनल था, लोग उनसे इंस्पायर हो गए। इंस्पिरेशनल इंटेलेक्चुअलिज्म प्रोड्यूस हुआ पिछले 200-250 सालों में सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कि एक नया तजर्बा है। यानी कि एक आदमी ने एक बात की जो कि बहुत अच्छी बात थी और सही बात थी और सच्ची बात थी, तो लेकिन वो इंसान ही था, एक वो एक इंसान था बेचारा, पैगंबर भी नहीं था, एक आम इंसान था। तो उसने बहुत सारी अच्छी बातें की, वो बहुत सारी गलत भी कर दी होंगी, बहुत सारी उसमें मिस्टेक्स भी हो गई होंगी। लेकिन चूंकि हम एक ऐसे माशरे में थे, सब कॉन्टिनेंट के लोग, जो बहुत एहतराम कर लेते हैं, जब हम किसी का एहतराम करते हैं ना, तो हम ये समझते हैं कि अब हजरत से कोई गलती हो ही नहीं सकती। नतीजा ये होता है कि उसकी जो थॉट के अंदर जो वीकनेस होती है उसको क्रिटिकली इवेलुएट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हमने किया तो ये तो एहतराम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि एहतराम के ख़िलाफ़ है तो लिहाजा हम, मैं क्या कोई वो हूँ कि मैं अपने असलाफ की वैल्यूज़ भूल गया हूँ। लिहाजा उनकी जो बेतहा ग्लेयरिंग इंटेलेक्चुअल मिस्टेक्स होती हैं उनको लोगों ने एहतराम की वजह से एड्रेस नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि हमने थॉट से अंडरस्टैंड करने के बजाय थॉट वर्शिपिंग शुरू कर दी, थॉट की वर्शिप शुरू कर दी। बजाय थॉट इसलिए नहीं होता उसकी वर्शिप की जाए, थॉट तो इसीलिए होती है कि भाई थॉट को अंडरस्टैंड करें। और चूंकि वो एक इंसान है, उसमें जाहिर है वो कहीं ना कहीं गलती करेगा, उसको देख लें, वो गलती आप नहीं करें, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि देखें ये इन्होंने ये गलती कर दी है, ये आइंदा दूसरे नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी ना, उसको ये पता चल जाएगा, ये हमारा बड़ा आदमी था, अच्छा आदमी था, इसने ये सही बात, लेकिन इससे ये मिस्टेक्स हो गई। अब ये जो मिस्टेक्स हुई वो नेक्स्ट जनरेशन तक मुंतकिल नहीं होंगी, तो नेक्स्ट जनरेशन रिलेटिवली और सॉलिड होगी उसके बाद, और इस तरह इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है। हमारे यहाँ क्या हुआ कि जो भी अच्छा आदमी आया ना, उसका एक नई कल्ट बन गई, यानी कि उसके मुतासरीन बन गए, वो उसके मुतासरीन है। तो अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता कि पता नहीं कौन किसका मुतासर है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी। बहुत सारे मुतासरीन हैं थॉट के, उन्होंने क्या किया, क्रिटिक नहीं की उन थॉट्स की, और उन्होंने क्या किया, उसकी एक कल्ट बना ली और उससे खुश होते रहे, तालियां बजाते रहे, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए जो मॉडल उन्होंने इस्तेमाल किया वो जिंदगी गुजारने का मॉडल वेस्टर्न मॉडल था। वेस्टर्न मॉडल क्यों था? इसलिए वेस्टर्न मॉडल था कि वेस्टर्न मॉडल करता है क्रिटिक, और एक्सट्रीम क्रिटिक करने के बाद वो चीज़ें जो कि वीक होती है ना, उसको निकाल के बाहर कर देता है, और जो जो कंक्रीट होती है, जिसकी प्रैक्टिकलिटी होती है, वर्केबिलिटी होती है, उसको लेके आ जाता है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम के अंदर लाकर कहता है कि हमने इनकी अब जो 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 इसकी क्रिटिक थी वो हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिक करके उसको थ्रेश आउट कर दिया, और इस क्रिटिक की बुनियाद पर अब ये इंस्टीट्यूशन हम बनाने जा रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन हम बनाने जा रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन, फिर उस इंस्टीट्यूशन की क्रिटिक होती है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो याद रखें, वो थॉट सिस्टम के अंदर आती है जिसकी कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिक होती है। वेस्ट ने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिक्स कर करके अपने बड़े बड़े लोगों की जो काम की थॉट थी उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, और जो काम की नहीं थी उसको निकाल के बाहर कर दिया। हमने अपने बड़े आदमी की इज्जत की, खाली इज्जत, जिस तरह माँ बाप की खाली इज्जत करते हैं लोग, बहुत सारे लोग माँ बाप की सिर्फ इज्जत करते हैं लेकिन बात नहीं सुनते, कहते हैं मैं आपकी इज्जत तो करता हूँ लेकिन आपकी बात काबिले अमल नहीं है, इसलिए इंशाल्लाह उस पर कभी अमल नहीं करूँगा, अमल मैं करूँगा किसी ऐसी चीज़ की जो जिसकी यूज़ वैल्यू, जिसकी प्रैक्टिकलिटी, जिसकी वर्क वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसलिए डोमिनेट कर गई कि उसने एहतराम नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा आप एहतराम करना छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ वो प्रोफेन है। प्रोफेन का मतलब है उसमें कोई चीज़ मुकद्दस नहीं है, अदम मुकद्दस है, क्योंकि वो अदब मुकद्दस के ऊपर खड़ी है, इसलिए लोग समझते हैं प्रैक्टिकल है। तो हम के तकद्दस के लिए अपने लोगों को रखते हैं जिनकी हम सिर्फ तारीफ़ें वगैरह करते रहते हैं और अच्छा जिक्र करते हैं उनका, और अमल जिस पे करते हैं वो जो चलने वाली बात होती है।
जो ये हमारा जो सिविलाइजेशन का चैलेंज है, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी का जो चैलेंज है, वो ये चैलेंज रहा है कि जिससे वो इंस्पायर होता है ना, उससे उसको वो प्रैक्टिस नहीं करता, और जिसको वो प्रैक्टिस करता है उसको गाली बकता है, इंस्पायर नहीं होता उससे। तो इंस्पिरेशनल क्राइसिस भी है और इंटेलेक्चुअल जो है चैलेंज भी है। ये इनके पिछले यानी कि ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने एक एक जो हमारी सिविलाइजेशन का बड़ा आदमी है ना, उसको पढ़ा है कि वो क्या कह रहा है। वो जो कह रहा है तो उसके जो मानने वाले हैं उसकी खाली तारीफ करते रहते, उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था वो रिक्वायर करता था एक क्रिटिक। तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन आप लोग कम से कम इस बीमारी में मुब्तला नहीं होना। इंस्पिरेशनल इंटेलेक्चुअलिज्म ब्लॉक कर देता है आदमी का थॉट प्रोसेस। इंस्पिरेशन जो होनी चाहिए वो आपको बूस्ट करना चाहिए आगे की तरफ। लेकिन लोग बेसिकली होता ये है कि मैं भी बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हूँ, सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी थॉट के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पैगंबर नहीं है या सहाबा नहीं है या ताबईन नहीं है। आप देखें कि मुसलमानों का जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन रहा, उसमें सहाबा के बाद जो ताबईन है, इन सब के दरमियान क्रिटिक्स हैं, एक दूसरे की बड़ी रिगरस क्रिटिक करते हैं, और उस क्रिटिक की को वो बोलते नहीं है, लिख देते हैं। फिर दूसरों ने उनकी क्रिटिक की, फिर उन्होंने उनकी क्रिटिक की। तो मुसलमानों का जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन रहा, उसमें वो बड़ी क्रिटिक करते रहे। ये ऐसे नहीं हुआ कि इमाम गजाली के ऊपर क्रिटिक नहीं की, या रुश्द के ऊपर, रुश्द जो है वो भी उसके ऊपर क्रिटिक नहीं की, या इमाम तैमिया के ऊपर क्रिटिक नहीं किया। इमाम तैमिया ने किसी को नहीं छोड़ा, सबकी क्रिटिक की उन्होंने। तो क्रिटिक करते रहे हैं मुसलमान, इसी की बुनियाद पर वो उन्होंने बड़े ताकतवर इंस्टीट्यूशंस जनरेट किए। सबकॉन्टिनेंट के अंदर भी एक क्रिटिकल रहा पीरियड, लेकिन बाद में जो अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे बड़े लोग जो थे उन्होंने मार खा गए बहुत सारे, और जो रह गए उनकी हमने कहा चलो यार एक आदमी तो बड़ा है, इसको तो रहम कर दो, इसको तो छोड़ दो। तो उसको छोड़ने के नतीजे में उसको आपने छोड़ दिया परस्तिश के लिए, और उसकी थॉट को कॉन्क्रेटाइज नहीं किया। इकबाल के साथ ख़ास तौर पे हमने किया, उसकी थॉट ट्रांसलेट नहीं हुई इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन। नतीजा यह हो इतना फर्क फर्क आ गया कि आप उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने जाएंगे तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगा और वो वर्क नहीं करेगा। तो बहुत इमीडिएट क्रिटिक होनी चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि आप एकेडेमिशियंस की तरह उनकी क्रिटिक करना शुरू करते हैं अभी बाहर निकल के, मैं बता रहा हूँ इंस्पिरेशन जो होती है वही असल में बाज़ औक़ात रुकावट बन जाती है सामने के फ्लॉज को देखने की। सामने जो फ्लॉज होते हैं ना वो नज़र नहीं आते अंडर द बर्डन ऑफ इंस्पिरेशन। सब कॉन्टिनेंट का यही प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि हम लोग जो हमारी जो जो जनरेशन्स रही हैं ना सब कॉन्टिनेंट की, वो एहतराम की बुनियाद पे चलने वाली माशरे हैं, सही है। तो एहतराम अच्छी चीज़ होता है, लेकिन जब एक आदमी नॉलेज क्लेम करता है ना, तो फिर उसका उसको बताना पड़ेगा कि उसे कैसे ये पता चला। अगर नहीं वो बता रहा, कह रहा है बस मुझे ये पता चल गया, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलता। उसकी उसके नतीजे में लोगों को नुकसान पहुँच जाता है। एक चीज़ आप फंक्शनल बना दें और लोग उस पर अमल करना शुरू कर दें और सारे मारे जाए जाके। तो इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए और उसकी क्रिटिक भी होनी चाहिए, तब वो ग्रो ग्रो करता है। दूसरा जो आम तरीका है जो हमने बताया वो हेट एंड ट्रायल से है, यानी कि माँ बाप चाहते हैं उनकी औलाद कैसी हो, तो एक तो उनकी थ्योरी होती है और एक हेट एंड ट्रायल होता है। तो 5-6 साल, 10 साल, 25 साल के अंदर बच्चे हेट एंड ट्रायल से अपनी अपनी जगह तय कर लेते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, उसी नजर में फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो पहली चीज मैंने तीन चीजें आपको बताई। पहली चीज ये कि हम कंसेप्चुअल जीने की कोशिश करें, लेकिन चूंकि लोग जो हैं वो किसी जबर के तहत यहाँ नहीं बैठे हुए, इसलिए वो रिलेटिवली ज्यादा सीरियस होंगे उन लोगों से जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में वो एजुकेट हो रहे होते हैं, तो जब इंसान खुद से आता है कोई काम करता है कोई भी काम, तो वो ज़्यादा कमिटेड होता है रिलेटिवली।
उसमें ख़तरा ये होता है कि वो उन कॉन्सेप्ट्स के बारे ही इज़ रियली सीरियस अबाउट इट, तो वो उनको अप्लाई वगैरह करता है तो उसमें कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं। तो ना तो आपको अपनी ज़िंदगी को परखने की ज़रूरत है अभी, पहले उसको अंडरस्टैंड करना है। तो आइडियाज़ शुड नॉट बी टेकन एज अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन, आइडियाज़ शुड बी अंडरस्टूड। पहला काम आपको करना है एक्सेप्ट या रिजेक्ट, नहीं मैं नहीं मानता इसको, नहीं मानने के लिए यहाँ नहीं हो बैठे हुए हम लोग, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक आदमी एक बात कहता है, क्यों कहता है वो ये बात, और जो लोग उससे एग्री करते हैं वो क्यों करते हैं, और जो उससे डिसएग्री करते हैं क्यों करते हैं। तो हमने इसको बैलेंस रखा है कोर्स को कि वो एक आर्ग्यूमेंट भी होगा फिर उसकी क्रिटिक भी हम कर देंगे, सही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आइडियाज़ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं, आप आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए बैठे हैं ताकि आप ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें इस डिस्कोर्स को, सही है। छह जो हमने शुरू के लिए हैं टॉपिक्स, वो ऐसे टॉपिक हैं जो हर इंसान का मसला है, पढ़ा लिखा हो, आलिम हो, जाहिल हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अधेड़ उम्र हो, हर आदमी इनको रखता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये छह वो कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में हर आदमी का एक ओपिनियन है, हर आदमी का एक पर्सपेक्टिव है, और वो ही रियली मीन इट कि भाई ये तो ऐसा ही है, रिलीजन ऐसा ही होता है, साइंस ऐसे ही होती है, और नॉलेज ऐसे ही होती है। तो हम ये बताएंगे कि हिस्टोरिकली लोगों ने इन एरियाज के बारे में कैसा सोचा। तो ये तो पहली बात हो गई कि अब सर मैं ये मैं, पूछना चाह रही हूँ कि अगर I'm sorry, मतलब हाँ पूछना चाह रही हूँ कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है इस चीज के हवाले से, कि अगर मैं आपकी कहीं भी बात को अप्लाई नहीं कर सकती, अगर मैं आपकी कहीं भी बात से अपनी जिंदगी में कोई चेंज नहीं ला सकती, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? देखिए मसला ये नहीं होता, मसला ये होता है जिसे हम कहते हैं ना ज़िंदगी में चेंज, वो कपड़े बदलने वाला चेंज या दाढ़ी साफ कर देने वाला चेंज या एकदम से टोपी पहनने वाला चेंज, वो नहीं होता चेंज। चेंज जो होता है वो शबनम की तरह होता है, जैसे अभी आपको कहीं पे पानी नज़र आ, सुबह आप देखिए सारे पत्ते भीगे होंगे, उसे कहते हैं चेंज। वो इन अ सटल मैनर होती है, और जो लोग रेडिकल शिफ्ट करते हैं ना, यानी कि एकदम से अपना आउटलुक चेंज कर लिया सडन, ये ठीक नहीं होती। और एप्लीकेशन का मतलब भी ये नहीं होता है, जैसे कुकिंग रेसिपी होती है कि आज मैं इस कुकिंग रेसिपी के साथ अप्लाई कर रही हूँ, आज मैं ये कर, जिंदगी कोई कुकिंग रेसिपी नहीं होती, जिंदगी एक एक सूप होता है जो कि मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट से बनता है। कुछ लोगों को एक सूप पसंद है अगर, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि अपनी रेसिपी चेंज करें। आपको आपको पसंद है अपना सूप, आप पीते रहें अपना, आप दूसरी रेसिपी सुन लें बस, आपने हाँ हाँ ये भी रेसिपी है ये भी रेसिपी, मगर मुझे तो यही सूप पसंद है, तो आप वो सूप पीते रहे, और कभी अगर मूड बन जाए तो कोई दूसरी रेसिपी। जिंदगी के अंदर आप ये नहीं कहें आज मैं आया हूँ, यानी कि आज 2018 की या आज क्या तारीख है, 10 तारीख को मैंने ये कॉन्सेप्ट, कल मैं अप्लाई कर दूंगा इसको, इस तरह नहीं होता अप्लाई। यानी कि मुझे कुछ आइडियाज़ को ग्रैस्प करने में 5-6 साल लग गए। हमारे दोस्त हैं खालिद भाई, जानते हैं ना डॉक्टर साहब खालिद भाई, हमारे दोस्त, हमारे मेरे उस्ताद ही थे वो, तो उनके वो जब आए तो वो सहाफ़ी थे और बहुत ज़बरदस्त लिखते भी थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे, ह्यूमन राइट्स के बारे में उनकी एक पोजीशन थी, वो कहते थे ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल है, क्यों, क्योंकि सहाफ़ियों के लिए फंडामेंटल होता है। अब हम तो ह्यूमन राइट्स की क्रिटिक कर रहे थे, तो उनको बड़ा गुस्सा आता है कि बड़ा बदमाश आदमी थी, क्या ये चाहता है कि ह्यूमन राइट्स बंद हो जाए, सब लोगों को डंडे मारे जाए, सब लोगों को जेलों में बंद किया जाए, ये चाहता है ये। तो वो उनको 4 साल लगे सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने में कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जब 4 साल में उन्होंने उसको अंडरस्टैंड किया, तो फिर उन्होंने जो अपने आर्ग्यूमेंट्स बिल्डअप किए उससे उन्होंने इम्पैक्ट डाला एक बहुत बड़े कैनवस के ऊपर, बहुत बड़े कैनवस। उसमें एक एकेडमिक जो जो वेट होती है, एक एकेडमिक कॉम्पिटेंस होती है, वो भी थी उसके अंदर,
एक रीजनेबलनेस भी थी कि भाई एकदम से अगर आप किसी चीज़ को बंद कर दें तो सारा केओस हो जाएगा, यू नो. तो चीज़ों को ग्रैस्प करने में टाइम लगता है. दूसरी बात ये कि हम ये समझते हैं कि हम कोई चीज़ इसलिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि हमें तब्दील करना है अपना. इसके लिए नहीं, किसी चीज़ को हम इसलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें पता होना चाहिए. मिसाल के तौर पर मुझे क्या ज़रूरत है ये पढ़ने की. मिसाल के तौर पर आप कोई आदमी कहेगा भाई मुझे क्या ज़रूरत है ये मालूम करने की कि ज़मीन के रोड के ऊपर जो पौधे उगे हुए इनमें से कौन सा पौधा मैं खा सकता हूँ और कौन सा नहीं खा सकता. सही है ना. ये रोड के साथ बहुत सारे पौधे हैं. आपको पता है कराची में बहुत सारी एक सब्ज़ी होती है चौलाई जो उगी हुई है, अभी भी उगी हुई है. अभी भी आप चाहें तो उसे पका के खा सकते हैं और आप सर्वाइव कर सकते हैं. हमारे दोस्ती हुई एक साहब से, उन्होंने मुझे बताया कि कौन कौन सी जो है पत्ते खा सकते हैं ज़मीन और वो आप खाने से सर्वाइव कर सकते हो. तो मेरे एक और दोस्त थे, उन्होंने कहा कि ये देखो वापसूरी आजकल घास चर रहा है, आजकल वापसूरी. वो आए दो तीन बार, तो मैं नहीं था, मैं यूनिवर्सिटी में सर्वे पे था. तो उन्होंने कहा कि वो मैंने देखा वो वहाँ पे घास में क्या कर रहा था. तो उन्होंने कहा वहाब सूरी आजकल चेयरमैन बनने के बाद घास खा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोहम्मद वकाही अमेरिका से बात कर रहा हूँ. सवाल ये है कि जो आपने कहा था जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ थिंकिंग, मैं सोच रहा था कि ये असल में तो ये कुरानी अहकामात नहीं है. अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कुन तो फिर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी और फिर ये तन्हा अमर बिल मारूफ के अच्छे काम करो और जो बुरी चीज है उसको निकाल दो. तो ये कुरानी अहकाम नहीं है, इसको हम इस स्ट्रीम ऑफ थिंकिंग से देख सकते हैं. नहीं मतलब कुरानी अहकाम का वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं, जो जो आप कह रहे थे कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो करती है कि जो प्रैक्टिकल चीज है जो नहीं वो सही है, लेकिन मैं तो ये बता रहा था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने ये जो प्रिंसिपल ड्राइव किए हैं उसकी लिमिटेशंस वगैरह के ऊपर हम कभी और बात करेंगे. क्योंकि मसला ये होता है कि हम जब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है ना, उस वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के अंदर हम जब सर्वाइव कर रहे होते हैं और हम बेनिफिट भी हो रहे होते हैं, तो हम उसके लिए बहुत सारी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं. मिसाल के तौर पे एक आदमी इसको पॉजिटिवली देख सकता है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे कि ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, वेल एडजस्टेड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और वेल ऑर्डर्ड सिस्टम है. लेकिन उसी सिविलाइजेशन में आपको डिल्यूज जैसे लोग भी मिलेंगे जो आपको बताएंगे भाई ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं है बल्कि शिजोफ्रेनिक है. लेकिन उसके लिए आपको डिल्यूजियन टर्मिनोलॉजी या डिल्यूजियन कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा. एक आदमी जो क्रिश्चियन होगा, कैथोलिक होगा, वो एक अलग तरीके की बात कहेगा. इसी तरीके से एक प्रोटेस्टेंट होगा, वो अलग तरीके की बात कहेगा. अभी अमेरिका में ही आप हैं तो अमेरिका के अंदर आपने देखा होगा मॉर्मन्स हैं या एमिश हैं, तो वो क्रिश्चियन ही है लेकिन जाहिर है उनकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है. वो बिल्कुल ऐसा नहीं समझते कि वो ये जो सारा का सारा मॉडल है वो समझते हैं कि ठीक नहीं है, लिहाजा उन्होंने अपनी स्टेट्स के अंदर डिफरेंट किस्म का मॉडल एडॉप्ट करने की कोशिश की है. तो ये हम इंशाल्लाह करेंगे. हम सिविलाइजेशनल इशूज़ को अभी टेकअप नहीं कर रहे, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में रहें और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दें. फिर आपकी मर्जी है उन कॉन्सेप्ट्स को आप सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते नहीं करें. अभी तो हम एक आम आदमी के लिए जो छह डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फिलोसॉफिकली कैसे इंगेज करते हैं वो हम देखना चाह रहे हैं. मैं आप लोगों को अजान से पहले जो बात बता रहा था वो ये बता रहा था कि जैसे मैडम ने कहा था कि हम ये क्यों सीखें, तो अंडरस्टैंडिंग किसी वजह से नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है. जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं पिछले कुछ महीनों से
ये मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ लोगों की मदद से कि ये जो शहर के अंदर घास फूस पत्ते वगैरह उगे हुए होते हैं, इनमें कौन सी चीज़ इंसान खा के ज़िंदा रह सकता है, तो जिसकी वजह से मुझे मजाक भी बना रहे हैं लोग बहुत सारे। तो ये इसलिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों किया। आपके सामने जो है वो सीरिया है, सीरिया के अंदर लोग जो है वो बॉम्बिंग हुई है, सब लोगों ने, सारी दुनिया ने उन पर बॉम्बिंग की है, जिसके नतीजे में सीरिया में लोग घास खा रहे हैं। अभी अभी 2018 के अंदर घास खा रहे हैं, पकाकर घास कच्ची खा रहे हैं, जिसके बहुत सारे लोग पत्ते खा के मर गए, जहरीले पत्ते खा लिए उन्होंने, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। सही है, हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजतुल कुबरा का जो इंतकाल हुआ था वो जहरीले पत्ते खाने की वजह से हुआ था, क्योंकि घाटी में जब बंद कर दिया था शुएब अबी तालिब में, तो कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तो बताने का मतलब ये कि कभी के दिन बड़े होते हैं और कभी की रातें बड़ी होती हैं। तो जो जो इंसान के पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो वर्क करते हैं, वो वर्क कर सकते हैं कभी भी। तो अंडरस्टैंडिंग जो होती है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इंसान को मदद देती है, बहुत ही इफेक्टिवली मदद देती है। हो सकता है कि उस वक्त आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही आपने किए, लेकिन कभी हालात तब्दील होने के बाद वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर फर्ज यह है कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वो फलसफा पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नहीं करते, वो समझते हैं हर चीज़ दूसरे कर देंगे, अभी कर रहे हैं, हो सकता है करते रहें, लेकिन नहीं भी तो कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो क्या करेंगे। तो जो चीज़ जो जो चीज़ इंसान बरतता है उसके बारे में इंसान के पास बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, और उन आइडियाज़ के पीछे बहुत सारी थियोरीज भी हो सकती हैं। तो जब इंसान सरवाइव करता है तो वो सिर्फ इस बुनियाद पे सरवाइव नहीं करता है कि उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता, तो थॉट के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो नए नए आइडियाज़ अंडरस्टैंड करता रहे और उनकी क्रिटिक भी करता रहे, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। जैसे हमारे उस्ताद थे, अपने इंतकाल से कुछ दिन पहले तक वो चीज़ें सीख रहे थे, यानी कि 81 ईयर्स के थे, और मेरे पास कभी आते थे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे, तो बड़ी मुश्किल से चढ़ते थे, तो वो बैठ जाते थे और वो जो खजूर का या पत्ते होते हैं या नारियल का जो पत्ता होता है, इसको बुन कर एक शेप दे देते थे। तो वहाँ पे एक बंदा था, उससे उन्होंने सीख लिया था। तो मैंने कहा यार सर ये, तो कहने लगे हाँ ये मैंने सीखा था काफ़ी अरसे पहले, लेकिन सर जो है ना भूलना शुरू हो गए थे, अल्जाइमर हो गया था सर को। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसे ही सीखा था, लेकिन अब डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये उंगलियों की मूवमेंट करने से आपके ब्रेन एक्टिविटी इम्प्रूव होती है। तो वो उन्होंने जो कभी सीखा था अब उनके लिए वो एक एक्टिविटी बन गई, और वो एक्टिविटी थी कि वो फूल भी बना लेते थे, उससे टोकरी भी बना लेते थे और अपना काम भी कर लेते। तो कहते हैं इससे इम्प्रूव होती है। तो बताने का मतलब ये कि जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं ये एकेडमिक है, लेकिन इसका मकसद कन्फ्यूजन नहीं है, क्लैरिफिकेशन है। कन्फ्यूजन उस वक्त होता है जब आप ये समझते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट के अलावा भी कैटेगरी होती है, और वो कैटेगरी होती है अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अब आप इस पर अमल भी करेंगे, और किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट भी करेंगे, आप अंडरस्टैंड करके उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो रिजेक्शन बहुत सॉलिड होती है, बहुत फाउंडेशनल होती है, बहुत कॉन्क्रीट होती है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो अभी जो है मुझे जो फिक्र है और जो मेरे मैं बार बार बता रहा हूँ कि मुझे जो कंसर्न है वो ये है कि ये नहीं कि एक कॉन्सेप्ट को किसी या आइडिया को फ़ौरन से आप अप्लाई करने की कोशिश करें, पहले उसको आप देखें, फिर उसे पढ़ें, फिर उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, और अपनी ज़िंदगी के जो फ्रेम है और जो आपका पसंद का सूप है
ज़िंदगी का जो आपकी रेसिपी है उसके अंदर अगर वो इंग्रेडिएंट दो तीन डाल सकते हैं फिर पी के देखिएगा मज़ा आएगा तो और डाल लीजिएगा इंग्रेडिएंट है नहीं तो आप कहें नहीं नहीं ये तो मज़ा नहीं आ रहा तेज़ हो गया ये तीखा हो गया मीठा हो गया ये हो गया तो निकाल दीजिएगा नेक्स्ट रेसिपी के अंदर। तो आइडियाज़ जो होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के सूप को लजीज बनाते हैं या डिस्टेस्टफुल कर देते हैं या कड़वा कर देते हैं ख़राब कर देते हैं या जहरीला कर देते हैं आदमी मरी जाता है सूप पी के क्योंकि वो उन्होंने वो इंग्रेडिएंट डाल दिए जो नहीं डालने चाहिए। जैसे एक फल होता है जो इसको कहते हैं डॉल आए, जैसे जैपनीज गुड़िया होती है ना उसके जो आँखें होती हैं डॉल आए, तो डॉल आए जो होता है बड़ा खूबसूरत लगता है लेकिन अगर कोई बंदा खा ले तो वो 8 सेकंड में मर जाता है। सही है। तो सोल्जर्स ने को एक ज़माने में जब उनको बताया गया कि भाई ये इस तरह से होता है ये फल तो उसमें एक सोल्जर ने वो ले लिए रख लिए तो उन्होंने कहा भाई ये क्यों, बोलने का भाई अगर मैं इतना ज़्यादा ज़ख्मी हो गया कि मैं सर्वाइव नहीं कर सकूँ तो सोल्जर्स के पास एक नेल होती थी जो यहाँ पे रीढ़ हड्डी पे यहाँ पे मारते हैं और उसको हैमर करते हैं तो आदमी फौरी मरते जाते हैं। तो उसने कहा कि भाई इससे बेहतर कि मैं ये करूँ, ये तो बहुत काम की चीज़ है, ये रख लेता हूँ, अगर इतना ज़्यादा डैमेज हो गई बॉडी तो मैं कील से क्यों मरूँ, मैं खा लूँगा डॉल आए एक। तो बताने मतलब ये कि ये इंसान के ऊपर होता है, हो सकता है इंसान चलो चलो दूर रहो भाई इससे, ये इंसान के इंटेलेक्ट के ऊपर होता है कि वो चीज़ को कैसे देखता है। तो आइडियाज़ हमारी थॉट को ग्रो करते हैं लेकिन आइडियाज़ एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए पाकिस्तान में हुआ यही है, किसी ने थोड़े से आइडियाज़ सुने और उन्होंने जाके पूरे माशरे में फैला दिए, माशरे ने उन आइडियाज़ पर अमल करना शुरू कर दिया जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद पाकिस्तान में हुआ है। इस वजह से हम इसको इस कोर्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है। ठीक है, तो 6 हमने कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए और 6 को ही हम 1 by 1 करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हम इस कोर्स का नाम हमने हिस्ट्री ऑफ आइडियाज क्यों रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक क्वेश्चन था क्योंकि जो आइडियाज जो आपने कहा था कि किसी भी चीज का आइडियाज शुड बी अंडरस्टैंड लेकिन उस आइडिया से पहले एक आइडिया की जरूरत होती है क्योंकि एक इन बिटवीन एक्सेप्ट और रिजेक्ट चीज होती है वो होती है इन्फ्लुएंस, किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस पर एक तो ये और दूसरे जो आपने कहा कि हमें एज ए मी आई हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग लेकिन हम जो यहाँ पे कॉर्पोरेट अमेरिका में रहते हैं और आपने कहा कि जो फिलोसफी रिलीजन और प्रैक्टिकल लाइफ को हम मिलाना चाह रहे हैं लाइक अ ब्रिजिंग बिटवीन देम तो आई थिंक व्हाट वी आर लर्निंग एंड गेटिंग ट्रेन इज द पावर ऑफ वी नॉट पावर ऑफ द पावर ऑफ वी या बी 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 द पावर ऑफ वी जी। ठीक है, देखें मैं बताऊं कि मैंने सिर्फ जो ये कोर्स जो डेवलप किया था वो कोर्स सिर्फ का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप रिलीजन को अंडरस्टैंड करें। मैं बता रहा हूँ कि कुछ 6 ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना 6 जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह आपके दाखिल होते हैं। आप उसकी कोई भी मकाम तय करें अरे आप इंसान के बीच में इसकी प्रायोरिटीज़ होती है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में रिलीजन इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में इंसान इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में पॉलिटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में साइंस ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती है। हम सिर्फ इस कोर्स के अंदर ये बताएंगे कि साइंस के बारे में क्या क्या आइडियाज़ रहे ताकि आपको ये पता चले कि ये मुमकिन है कि जिस चीज़ को लोग साइंस समझ रहे हैं एकेडेमिकली उसे साइंस समझा ही नहीं जाता, ये मुमकिन है जिसे लोग रिलीजन समझ रहे हैं एकेडेमिकली उसको रिलीजन नहीं समझा जाता, ये मुमकिन है कि जिस चीज़ को आप पॉलिटिक्स समझ रहे हैं एकेडेमिकली उनको पॉलिटिक्स उनकी एकेडेमिक रूट्स को इंगेज करना बेसिक मकसद है। तीसरा जो चीज़ है वो ये है कि इन आइडियाज़ के ऊपर क्या क्या क्रिटिक हुई है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये भी थोड़ा बहुत पता चल जाए। तो अगर पहले कोर्स हमारा चला गया सही तो फिर हम जो नेक्स्ट कोर्स करेंगे उसको हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ 2 जो करेंगे उसमें फिर हम ट्रेडिशन को लेंगे।
जो रिलेटिवली ज़्यादा डीप हो सकता है, लेकिन अभी तो हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप हो और बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करें. जब आप एट द एंड ऑफ द कोर्स, अगर आप कोर्स में रहे एट द एंड ऑफ द कोर्स, तो एटलीस्ट 50-60 ऐसे आइडियाज़ आप इंट्रोड्यूस होंगे आपको, जिनकी मदद से आप जब चीज़ों को देखेंगे तो वो रिलेटिवली आपको डिफरेंट दिखाई देंगी. ये मैं गारंटी करता हूँ कि वो डिफरेंट दिखाई देंगी. इसीलिए मुझे परेशानी भी है कि ऐसा ना हो कि वो डिफरेंट जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना पैदा करे. इसलिए बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ, वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए नहीं है. और ये कि जिंदगी के अंदर, जैसे मैंने बताया ना कि लम्हों के अंदर ज़िंदगी चेंज हो जाती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो इंसान को बचा के लेके चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंसेप्चुअली इस हद तक ट्रेन किया हुआ होता है लोगों ने कि वो चेंज होती हुई दुनिया के अंदर वो अपने आप को रीडिफाइन कर लेते हैं. जैसे एक आदमी है, उसका नाम है काफ्का. काफ्का से किसी ने पूछा, भाई ज़िंदगी क्या है? तो उसने कहा, भाई ज़िंदगी ये है कि एक आदमी भाग रहा है और उसके पीछे भेड़िए लगे हुए हैं, और वो भेड़ियों से बच के भागते भागते एक कच्चे कुएं में गिर गया, और कच्चे कुएं में जब वो गिरा तो उसने एक दरख्त पकड़ लिया जो जड़ से निकला हुआ था, उसमें वो लटक गया. नीचे जब उसने देखा तो एक ड्रैगन जो है वो मुँह खोल के बैठा हुआ था, ऊपर जो है भेड़िया आके बैठ गए. अब उसने कहा कि ऊपर जाऊंगा तो भेड़िए खा जाएंगे, नीचे गिरूंगा तो वो ड्रैगन खा जाएगा. तो उसने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जितनी देर में लटका हुआ हूँ. तो दरख्त पे जब उसने देखा तो दरख्त पे छोटे छोटे चूहे थे जो दरख्त, जिस दरख्त पे वो लटका हुआ था उसे काट रहे थे. तो यानी कि दरख्त पे मुस्तकिल भी नहीं लटक सकता क्योंकि दरख्त टूट जाएगा इवेंचुअली. फिर उसने देखा कि इस दरख्त के अंदर क्या है, तो दरख्त में एक शहद का छत्ता भी लटका हुआ था जिसमें से शहद टपक रहा था और उन पत्तों पे गिर रहा था जो उसके बहुत करीब थे. तो काफ्का ने कहा कि उसने कहा कि जब मैं फंस गया सब जगह, तो उसने कहा फिर मैं सब जब सभी जगह बुरी हैं तो मैं शहद पे तवज्जो क्यों नहीं दूं? तो दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे जो मरते वक्त शहद चाट रहे हों? बहुत सारे ऐसे प्यासे मर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो भूखे मर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसी से मिलने. खुशबू और शहद, उस पर उसने तवज्जो दी. उसने कहा ज़िंदगी यही है. अब इस पर बहुत सारे लोग डिसएग्री, कुछ लोग काफ्का से एग्री करेंगे, कुछ काफ्का से डिसएग्री करेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट आप एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, लेकिन ये आपके लिए कोई ना कोई नया एरिया ऑफ थॉट ज़रूर ओपन कर देता है. तो बेसिकली जो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, हम इस कोर्स का नाम इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी नहीं रखा, इसके कोर्स का नाम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी नहीं रखा, इस कोर्स का नाम हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ इसलिए रखा कि आम तौर पे लोग समझते हैं कि हिस्ट्री जो है वो कलेक्शन ऑफ इवेंट्स है, टोटैलिटी ऑफ द इवेंट्स है. लेकिन एक्चुअली हिस्ट्री को देखने का एक और तरीका भी है. History is not just the sum total of the events which have occurred in past. That is one of the definition of history. क्योंकि history में तमाम events को तो महफूज नहीं किया जा सकता ना. You cannot protect, you cannot document all the events which have occurred in past. क्यों? क्योंकि events innumerable होते हैं. तो आप select करते हैं कुछ events और उनको आप डॉक्यूमेंट कर लेते हैं. इसी को तारीख कहते हैं. पाकिस्तान की तारीख पाकिस्तानी बच्चा पढ़ता है और पाकिस्तान की तारीख हिंदुस्तानी बच्चा पढ़ता है, दोनों के व्यूज़ अलग होते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों का सिलेक्शन ऑफ इवेंट कुछ होता है, इंडियंस का सिलेक्शन ऑफ इवेंट कुछ होता है, और जर्मन्स और ब्रिटिशर्स का सिलेक्शन ऑफ इवेंट्स कुछ होता है. तो सिलेक्शन ऑफ इवेंट्स की डिफरेंसेस की बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि भाई हिस्ट्री जो है वो सिर्फ इवेंट नहीं है बल्कि सिलेक्शन ऑफ इवेंट्स है. लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं हिस्ट्री महज इवेंट्स नहीं है, क्योंकि हर इवेंट जो होता है, कोई भी वाकया जो होता है, उसकी दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक इनसाइड ऑफ एन इवेंट और एक आउटसाइड ऑफ एन इवेंट. इनसाइड ऑफ एन इवेंट जो है वो है थॉट, और आउटसाइड ऑफ एन इवेंट है एक्शन.
तो तारीख जिसे हम तारीख कहते हैं वो सिर्फ आउटसाइड ऑफ एन इवेंट की बुनियाद पे होती है, लेकिन जो इनसाइड ऑफ एन इवेंट है, जो थॉट है, उसको अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड थॉट विदाउट आइडियाज। थॉट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास आइडियाज होने चाहिए। तो जब भी कोई वाकया दुनिया में होता है, तारीख के अंदर होता है, तो उस वाकये के पीछे एक सोच होती है। दुनिया का कोई भी वाकया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर हुई तो ये एक वाकया तो है लेकिन इसके पीछे थॉट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसके पीछे कोई थॉट है, पाकिस्तान बना उसके पीछे कोई थॉट है, हर इवेंट के पीछे एक थॉट होती है। उस थॉट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास आइडियाज होने चाहिए। अगर आपके पास वो आइडियाज नहीं है तो आप उस इवेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और जब आपके पास आइडियाज की कैटेगरी बढ़ जाती है तो एक ही वाक्य के बारे में आप मल्टीपल तरीकों से सोच सकते हैं। जब आप मल्टीपल तरीकों से सोच सकते हैं तो आपके अंदर ये कैपेसिटी भी पैदा होती है कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप टॉलरेट कर लें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप ग्रैस्प कर लें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप कबूल कर लें। लिहाजा जब भी आप हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ आपको ये बताती है कि इंसान के बारे में कोई एक तसव्वुर तारीख में नहीं रहा, बल्कि इंसान के बारे में लाखों किस्म के तसव्वुरात मौजूद हैं। कोई ये कहता है कि भाई इंसान जो है वो क्रिएशन ऑफ द गॉड है, कोई कहता है इंसान एवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ एप्स है, कोई कहता है इंसान साइकोकेमिकल ऑर्गेनिज्म है, कोई कहता है इंसान एक रैशनल बीइंग है, कोई कहता है इंसान जो है एक स्पिरिचुअल बीइंग है, कोई कहता है इंसान एक इमोशनल बीइंग है, कोई कहता है इंसान एक लेबर है, क्रिएटिव लेबर है। तो ये जब आप इंसान के बारे में बहुत सारे तसव्वुरात पढ़ते हैं तो एक आम आदमी जब अपनी ज़िंदगी में आता है, आम जिंदगी में आता है, तो इंसानों के बारे में जो उसने स्ट्रिफ ओपिनियन रखे होते हैं ना, उसमें एक नरमी आ जाती है। वो सामने वाले को एक स्पेस देता है, एक रूम देता है, उसकी बात सुनता है, उसकी बात समझता है। जो स्ट्रेट जैकेट्स होती हैं ना कुछ चीज़ों के बारे में, वो आपको भी अफेक्ट करती हैं, एडवर्सली अफेक्ट करती हैं, दूसरों को भी एडवर्सली अफेक्ट करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आइडियाज़ आप सुने इंसान के बारे में वो आप एग्री करें या डिसएग्री करें, उनको अंडरस्टैंड करने से आपके पास एक बड़ा होराइज़न होता है और आप मुख्तलिफ़ इंसानों को समझने में ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा इंटेलिजेंटली उनको हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उन सारे ख्यालात से अग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ विल प्रोवाइड यू डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट ह्यूमन बीइंग, डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट नॉलेज, डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट पॉलिटिक्स, डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट रिलीजन, different ideas about science. So six different views will be discussed. और उन multiple ideas के अंदर हम जो target कर रहे हैं, कम से कम 50 ऐसे concepts आपके पास आएँ जो आपको चीज़ों को understand करने में helpful हो। That's basic objective of this course. एक सवाल यहाँ पे ये भी था कि reading material के हवाले से, कि reading material होगा। हाँ, एक तो रीडिंग मटेरियल मैंने जो किताब आप लोगों को दी है वो है, लेकिन जो जब हम कोर्स शुरू करेंगे तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सा चैप्टर, और कुछ दूसरी किताबों से भी मैं दूंगा। लेकिन शुरू में हम कोशिश यही करेंगे कि आज भी हमने अभी कोर्स नहीं शुरू किया, आज हमने सिर्फ ये बताया कि आप लोगों को क्या नहीं करना, कन्फ्यूजन से बचना है, एप्लीकेशन से भी बचना है, पहले चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ग्रैस्प करना है। हम जापनीज सीखते थे, हमारा जो उस्ताद थे उनसे जापनीज सीखते थे, तो जो हमारे सर थे वो मार्शल आर्टिस्ट भी थे, तो मैं भी मार्शल आर्ट सीखता था। तो एक दिन मैंने सर से कहा कि सर मुझे कुछ सिखाएं, कोई टेक्निक बताएं, तो उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन फिर उनको जब खिलाते पिलाते थे ना खुश होते थे, ये मैंने देखा था कि तो एक दिन खाना था, खूब खाया हुआ है, तो सर से पूछा, उन्होंने कहा हाँ चलो मैं तुम्हें तीन चीज़ें बताता हूँ।
उन्होंने तीन स्टेप मुझे बताए कि जब तुम्हें कोई हिट करे फ्रंट से हिट करे तो तुम्हें क्या करना है, फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है। तीन स्टेप सर ने मुझे सिखाए, बताया, चार पांच बार खुद करके दिखाया, फिर मुझे भी किया और मैंने किया। तो उसके बाद फिर बात ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर हम जैपनीज पढ़ते रहे, भूल गए, और काफ़ी दिन हो गए। और फिर एक दिन मेरे ख्याल आया कि मैंने कहा सेंसे वो मुझे मार्शल आर्ट, तो बोले कि आपको मैंने कुछ सिखाया था तो आप तैयार हैं? तो मैंने कहा किस चीज़ के लिए? कहने बच्चे, और उन्होंने लगाया करारा हाथ, मैं और वो उसी तरह फ्रंट उन्होंने किया, चांटा लगाया सामने से, यूं हाथ ला के ऐसे हिट किया, तो मैं बच ही नहीं सका। दूसरी बार फिर उन्होंने पैर से मारा, वो भी मैंने नहीं, कई बहुत फैटी मारी सर, बहुत बहुत थप्पड़ मारे, कोई 15-20 थप्पड़ मारे और मैं बच नहीं सका। और मैं दूसरी तरह से ब्लॉक कर सकता था उसे, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने सीखा उसी तरह ब्लॉक करना। और ये भी मुझे पता था कि अगर मैंने कन्वेंशनल ब्लॉक की तो ये हाथ तोड़ देंगे या हाथ निकाल देंगे, तो मैं वो नहीं कर सकता, कि उसमें हाथ इस्तेमाल नहीं करना था, आपको अपनी सिर्फ बॉडी को बचाना। बहुत पीटने के बाद सर ने मुझे ऐसे पकड़ा और गले से लगा लिया, एकदम से गले से जब लगाया तो गले लगा के सुनने लगे मेरे दिल की धड़कन, धड़ 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 धड़। एक तो लोग हंस रहे, दोस्त हंस रहे, और फैटी अलग लगी, और दिल तो जब बहुत दिल धड़का तो सर ने कहा कि सेंसेई ने कि भाई ये तो बड़ी गलत बात है, तुम्हारा दिल तो बहुत धड़क रहा है, तो अगर तुम्हारा दिल इस रफ्तार से धड़क रहा है तो फिर तो तुम पिट नहीं सकते, तो तुम भाग जाओगे। तो अगर फ़र्ज किया करेज होनी चाहिए, पिटने के बाद दिल धड़कना नहीं चाहिए था। तो अब मैं तुम्हें आज दूसरा लेसन ये दे रहा हूँ कि पिटने के बाद क्या नहीं करना है, और जब पिट रहे हो तो तुम्हें क्या नहीं करना है, सांस को कैसे कंट्रोल करना है। पिटते हो, आप पिट रहे हो तो तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन तो यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर ब्रीथ। ब्रीथ कैसे करते हैं, उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया वो उसको, और उन्होंने कहा कि जो मैंने तुम्हें फर्स्ट स्टेप सिखाया था वो तुम्हें कम से कम करना था 10,000 बार। अगर तुम 10,000 बार वो कर लेते, यू विल नेवर बीन हिट बाय एनीवन, सीधा तो तुम्हें फिर कोई मार नहीं सकता था। तो जिंदगी में कब तुम्हारी लड़ाई होगी ये तुम्हें क्या पता, तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। और तुमने मेरी इंसल्ट की, मैंने तुम्हें एक चीज़ सिखाई, तुमने उसे नहीं सीखा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अमली होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं आइडियाज़ होते हैं। तो मैंने आइडियाज़ नहीं मांगे थे उनसे, अमली चीज़ मांगी थी, उसको मुझे अप्लाई करना था। अगर मैंने अप्लाई नहीं करना था तो मुझे वो सीखना नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ और भी सिखाया। तो ज़िंदगी में मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। जब एक बार हमें वो पिकनिक पर लेके गए तो लड़कियों को अपने साथ बिठा लेते थे और लड़कों को कहते चलो तुम लोग दूसरी गाड़ी में, तो सब लोगों को वैसे ही गुस्सा आता था कि ये क्या तरीका है सर का। तो सर जब हम लोगों को लेके गए वहाँ पे, तो उनके घेरा डाल के जो बैठी हुई थी सारी लड़कियाँ, तो सब लोगों को और किसी कोई जा ही नहीं रहा था, तो सब लोग उठ के इधर उधर चले गए। फिर मेरे से उन्होंने और दूसरे लोग लड़के जो थे उनसे कहा कि चलें आप लोगों को ये बताते हैं कि लहरों के साथ साथ कैसे भागते हैं, लहरों के साथ कैसे कैसे भागते हैं। तो हमने ऐसे, एक तो मूड ही ऑफ था नहीं सेंसे हम लोग तो बैठे हुए हैं, हम लोग भाई ये कर रहे हैं, तो सेंसे उठे और चले गए दो लड़कों को अपने साथ जो हमारे से सीनियर्स थे, वो लेके चले गए और वो लहरों के साथ भागते हुए। और फिर जब हुआ तो मेरे से उन्होंने कहा कि जहाँ से हम भाग के आए हैं वो आप देख के आए, तो जो सेंसे के पैरों के निशान गहरे नहीं थे, ना पंजे के पास से ना एड़ी के पास से। अब आप लहरों के साथ भागते हैं तो नरम होती है रह, तो पैर फंस जाता है। तो जो लड़का था उनके गहरे गहरे थे और सेंसे के, तो मैंने कहा सेंसे आपके प्रिंट नहीं बने, बोले कि यही आपको सिखाना था।
आपने नहीं किया, अब आपको कभी नहीं सिखाऊंगा। और फिर उन्होंने कभी नहीं सिखाया। लेकिन ये हमें उस पैर उठाने का एक तरीका होता है, लहरों के करीब आप पैर कैसे, कच्ची ज़मीन पे पैर कैसे रखेंगे और नरम ज़मीन पे कैसे रखेंगे, कीचड़ में कैसे रखेंगे, स्लिपरी ज़मीन पे कैसे रखेंगे, तो वो उन्होंने सीखा था, वो उन्होंने हमें नहीं बताया, ना हमें पता चला। और उन्होंने कहा अगर आप करेंगे तो फिर मैं आपकी पिटाई भी कर दूँगा, तो वो पीट भी देते थे पकड़ के ना। तो जो दो लड़के थे उन्होंने सीखा कि पैर को कैसे उठाना, और जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा आप हमारी शागिर्दगी कबूल करें तो हम आपको सिखा देंगे। तो जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, कुछ चीज़ों को आपको सीखना ही होता है, लेकिन आइडियाज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आप उनको एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें। जापनीज़ ट्रेडिशन अलग है, वो अलग तरीके से चलते हैं चीज़ों को। और ये जो हमारे उस्ताद थे जापनीज़ नहीं थे, ये पाकिस्तानी ही थे, लेकिन रहे हमेशा जापान में, तो ही उन्होंने अपने ऊपर उसको तारी किया। तो जो कोर्स है वो बेसिकली कंसेप्चुअल है, प्रैक्टिकल नहीं है, सही है। जब जब कंसेप्चुअली आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसको भी कर लेंगे आगे। तो ये जो मेरे ख्याल में मैंने एड्रेस किया उस क्वेश्चन को, वो उन्होंने स्पेसिफिक ये भी पूछना चाह रहे थे कि रीडिंग मटेरियल के हवाले से, तो मैंने ये कहा रीडिंग मटेरियल ये कि बेसिकली हम तीन चार, एक तो किताब हमने दे दी है, दूसरी किताब जो है वो किताबें हम सेलेक्ट करेंगे और उनमें से फिर मैं आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी दे दिया करूँगा, आप साइन कर दें। शुरू में एक दो वीक्स हम कोशिश करेंगे कि आप पढ़ने के बजाय इन आइडिया से रिलेटेड चीज़ें जाके पढ़ें खुद ही, बहुत सारी जगहों से जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। तो बेसिक जो आपके होना चाहिए वो ये कि कोई भी टेक्स्ट स्टैंडर्डाइज नहीं होगा कि बस ये हतमी और आखिरी बात है, एक इनिशियल, जब हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे ना वो फिर हम कहेंगे कि ये आप पढ़ लें। अभी तो हमने कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो जो ये वाली किताब है फिलॉसफी द आर्ट ऑफ वंडरिंग, इसके अंदर भी ये सेक्शंस हैं, जिनको जो छह सेक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, यू नो। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद ह्यूमन नेचर, फिर हम पढ़ेंगे एपिस्टेमोलॉजी, और फिर हम पढ़ेंगे एथिक्स, और नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी उसके अंदर हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे एक साहब ने अभी कहा कि भाई हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस एक अलग हैं, तो हम इस आर्ग्यूमेंट को कंटेस्ट करेंगे और हम ये बताएंगे कि ऐसा नहीं होता, हमेशा कुछ क्वेश्चंस हमेशा रेलेवेंट होते हैं हर जगह पर। उनमें से हम तीन क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके लिए चाहे वो फलसफे का हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो लंपन प्रोलेटेरिएट हो, चाहे वो पेटी बोर्जुआ हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो फ़कीर हो, हर इंसान के लिए वो पर्टिनेंट क्वेश्चंस क्या हैं, और उन पर्टिनेंट क्वेश्चंस के बग़ैर आप ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते, चाहे आप किसी भी तरह की ज़िंदगी गुजारें। उन तीन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे, और उन तीन क्वेश्चंस से फिर हम फर्स्ट थ्री सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों में किसी ने बॉडी बिल्डिंग की है क्या? बॉडी बिल्डिंग क्लब जाके जिम में, तो देखिए वो आप लोग, आपका जो था उससे लग रहा है बॉडी बिल्डिंग का रवैया। जो जब लोग क्लब जाते हैं ना बॉडी बिल्डिंग करने, तो पहले दिन जब जाते हैं जो हेल्दी लड़के होते हैं वो देखते हैं वेट वेट रखे हुए हैं, और बाज़ लोग पतले पतले वेट उठा के यूँ कर रहे होते हैं, वो एक हकारत और नफ़रत से उनकी तरफ देखते हैं, ये वेट उठाया हुआ है, और अपने मसल्स देखते हैं, मेरे तो ये इतने दिन से आ रहा है, मेरे तो बग़ैर उसके इतने मसल्स बने हुए हैं, तो इनमें एक हकारत भी होती है। और वो क्या करते हैं, पहले दिन चूँकि मसल वो वेट उठा लेते हैं और भारी वेट उठा लेते हैं, खूब उठा लेते, खूब कर लेते, खूब कर लेते। दूसरे जो आते रहते हैं क्लब वो उनको देख रहे होते हैं, कुछ बेचारे उनको मना भी करते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कि हेल्दी होता है, वो समझता है कि कमज़ोर होने की वजह से बेचारे हल्के वेट उठा रहे हैं, और मैं तो पहले से ही ताकतवर हूँ, हेल्दी हूँ, और मैंने अच्छा खाया पिया है, लिहाजा वो वेट उठा। दूसरे दिन उनसे
कपड़े भी नहीं उतारे जाते, बनियान भी नहीं उतार, क्योंकि वो वेट इतना पड़ जाता है, मसल्स हो जाते हैं स्वेल. तो शुरू में जब आदमी आता है ना तो उनसे वेट नहीं उठाते, वो कहते हैं कि भाई ऐसे ही हाथ उठाओ, हाथ या रनिंग करो, जॉगिंग करो, हाथ ऊपर हाथ नीचे, हाथ ऊपर हाथ नीचे, फिर कई दिन तक. फिर कहते हैं पहला वजन जो डालना है अपनी बॉडी का, जितना तुम्हारी बॉडी है उतना वेट डालो उस पर, फिर डिप्स लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं. तो मेरा भी यही ख्याल है कि पहले दिन नहीं इंट्रोड्यूस होना चाहिए. सही है, वो यही राय ठीक है, तो पहले ही दिन नहीं होना चाहिए, वो टेक्निकल है. और इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे, हमें कोई इम्तिहान तो देना नहीं है. मैं लूँगा भी, ताकि थोड़ा सा सीरियस भी रहे, एक दो क्विज वगैरह लूँगा. सवाल था एक, हाँ, एहतराम के बारे में. हाँ, तो यहाँ मस्जिद में भी वो लगा हुआ गालिबन हाफिज शिराजी या सादी शिराजी का है, बाअदब बानसी. हाँ, बेअदब बेनकी. हाँ, वो सही है, तो लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट का इससे क्या. देखिए, पहली बात तो ये कि जो मुसलमानों के अंदर इल्म रहा है ना, मुसलमानों की हिस्ट्री में इल्म की हायरार्कीज रही हैं, वो हायरार्कीज जो रही हैं उसमें जो पिनिकल पोजीशन के ऊपर रहा है ना, वो रही है क्या कहते हैं, कुरान एंड सुन्नत. मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल कुरान और सुन्नत, वो प्रोफेन नहीं होता, वो प्रोफेन नहीं है. अगर मैं तो मैं आलिम होता है ना कुरान का, तो वाकई में ही कहता है कि बा अदब. मैं तो फलसफे का, फलसफा तो एक स्किल है, तो फिलॉसफी के अंदर ये नहीं चलता. इसीलिए मुसलमानों के अंदर जो लोग फिलोसॉफिकल साइड पे गए हैं, उन्होंने जब क्रिटिक की है तो उनका जो सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट है वो कम हुआ है, क्योंकि लोगों ने कहा बदतमीज़ है ये अटैक करता है. तो मैं अगर आलिम होता तो जाहिर है कि आप करते मेरा एहतराम वगैरह, लेकिन मैं तो आलिम नहीं हूँ, मैं हूँ फिलॉसफी का स्टूडेंट, फिलॉसफी पढ़ाता हूँ. तो फिलॉसफी के अंदर जब आप किसी चीज़ को फिलोसॉफिकली एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो आप एक डिफरेंट, इट्स ए डिफरेंट बॉल गेम. सही है, तो जाहिर है कि जब आप किसी आलिम के पास जाएं, मस्जिद जाएं, तो जाहिर है वहाँ पे तो आपको बाअदब होना है, क्योंकि उसके पास तो हक रिवील हुआ हुआ है, वो तो तय है ना कि यही है. लेकिन ज़िंदगी के जो बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो ज़िंदगी में लोग बरत रहे हैं, जो कि रिवील नहीं है, और वो आपकी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, और आप एक आदमी के कहने पर उन आइडियाज़ की परस्तिश शुरू करते हैं जो कि रिवील भी नहीं है, तो बहुत डेंजरस है. फिर तो ये बहुत ख़तरनाक बात है. पाकिस्तान में ऐसा हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों ने वो आइडियाज़ जो कि रिवील भी नहीं थे, पैगंबर से भी नहीं आए थे, सहाबा से भी नहीं आए थे, तब एक आदमी की अपनी एक फ़िलोसॉफिकल इंटरवेंशन थी, एक फ़िलोसॉफिकल वॉइस था उसका, उसने सीखा और उसने शेयर कर लिया लोगों से, लेकिन लोगों ने उसको क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं किया और उससे इंस्पायर हो गए वो. तो ये जो इंस्पिरेशनल इंटेलेक्चुअलिज्म है ना, उसकी वजह से बहुत सारे आइडियाज़ ग्रो नहीं कर पाते. आइडियाज़ की ग्रोथ में जो चीज़ रोल प्ले करती है वो उसकी छांट और तराश खराश होती है, वो उसको उसका ओपन रहना चाहिए. कम से कम मैं, मेरे हवाले से मैं यही चाहता हूँ कि लोग मेरे एहतराम ना करें, बल्कि जो क्रिटिक है वो करें, ताकि उससे मुझे पता चले आइडिया में कहाँ पे फ्लॉ है. तो बहुत सारे लोग जो होते हैं खामोश हो जाते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है. और दूसरी बात ये कि क्रिटिक जो होती है वो सब्सटेंटिव होनी चाहिए, यानी कि आपके ओपिनियन बेस्ड नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो फ्रेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर ही होनी चाहिए. तो हम आगे चलेंगे तो हम ये बताएंगे कि फ्रेम के अंदर क्रिटिक कैसे की जाती है, यानी कि आइडियाज़ को जिस आदमी ने जो आइडिया कहा है उसके फ्रेम को आप अंडरस्टैंड कर लें, फिर आप उस फ्रेम के अंदर जाकर उसको क्रिटिक करें.
अगर आप उससे डिसएग्री करते हैं फिर तो बात ही ख़त्म हो गई, लेकिन आप जब उसको अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्रिटिकली इवैल्यूएट जब तक नहीं करेंगे तब तक आप उस आइडिया को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने सीरियसली कंट्रीब्यूट किया है उसके उसके नतीजे में उस आइडिया की वीकनेसेस यानी कि एलिमिनेट हुई हैं। तो ये कम अज़ कम इस कोर्स के अंदर ज़रूरी है कि उसको आप महज इसलिए नहीं कि कोई कि मैंने कह दिया इसलिए आप उसे एक्सेप्ट कर लें, उसकी लिमिट है तो देखें आइडेंटिफाई करें उसको फिर तो हम एक्सप्लोर। तो हो सकता है कि हम अंडरस्टैंड करने के बाद उस आइडिया को रिजेक्ट करें। जी बिल्कुल, अंडरस्टैंड करने के बाद ही आइडिया को रिजेक्ट करना चाहिए, उसूल यही है, और अंडरस्टैंड करने के बाद ही चीज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। लेकिन अंडरस्टैंडिंग वो स्टेज जिसके ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग आती है उस दरमियान, देखिए एक तो अंडरस्टैंडिंग से पहले का है, अंडरस्टैंडिंग के बाद, अंडरस्टैंडिंग का एक मतलब ये होता है कि आपके जहन में जो दीगर कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे आप उसकी कंपैटिबिलिटी और उसकी अलायंस और उसकी कॉन्ग्रुएंस और उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ दी। लेकिन जिस वक्त आप ये आइडिया वर्सेस जहन में मौजूद आइडिया वाली मुकाबला चल रहा होता है विच इज़ ए नेसेसरी पार्ट ऑफ आर्ट, तो फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम यू सॉर्ट ऑफ use that new idea as a मतलब आप उसको support देते हैं। अगर आप पहले ही step के ऊपर उसको reject कर देंगे तो वो आप कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं ये तो मैं बिल्कुल agree करता हूँ, अपने ऊपर मुझे इतना भरोसा है कि आपको जब idea introduce करूँगा आपको seriously लेना पड़ेगा उसको, और मैं इतना शरीफ भी नहीं हूँ कि बस आपको idea दे दूँ और आपके जो ideas हैं उनको push back ना करूँ, उनको करूँगा मैं, लेकिन ये कि हर चीज़ मैं बताता नहीं हूँ तो, और ये भी नहीं होगा कि इतना आसान भी नहीं होगा उसके ऊपर अटैक करना, क्योंकि जब मैं कोई आइडिया पोस्ट करूँगा तो उसकी जो एप्रोप्रिएट डिफेंस लाइन है वो भी मेरे पास होंगी कि उसको कैसे काउंटर करना है। तो लेकिन ये कि अगर आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना उसको तो फिर वो ग्रिप भी नहीं करेगा, वो भूल जाएगा आदमी, यानी कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो, जैसे हमारे एक उस्ताद थे जो बहुत एक्सटेंडेड लंबी क्लासेस लेते थे, उनसे हम उनका हम लोग बहुत एहतराम भी करते थे, सबसे कम हमने उन्हीं से सीखा है क्योंकि हम सिर्फ उनका एहतराम करते थे और फिर उठ के घर चले जाते थे और सो जाते थे वो लोग, क्यों? क्योंकि आर्ग्यू आउट नहीं कर पाते थे, सही है। बास टीचर्स जो थे वो कहते थे भाई ये मैंने बताया चलें अब करते हैं इसको, तो बास जो होते हैं वो बड़े ट्रेंड होते हैं तो वो आपको पुश करते थे, इंटिमिडेट भी कर देते थे, बाज़ औक़ात आदमी आर्ग्यू आउट करता था, उसमें लर्निंग जो होती थी बहुत हाई होती थी, और फिर उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो आइडियाज़ हैं, लेकिन ये कि जो पाकिस्तान में जो रहा है ना वो ये रहा है कि बहुत सारे लोगों ने जो पढ़ाया भी है चीज़ें कम से कम वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स के पीछे छुप जाते हैं, और सामने वाला कहता है यार मैं तो मेरे तो बस से बाहर है इन आइडियाज़ तक पहुंचना, लिहाजा मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, आप खुद ही बता दें मैं क्या करूँ। तो वो सही रवैया नहीं है, बल्कि आइडियाज़ को सिंप्लीफाई करके बताना कि भाई ये एक चीज़ जो मेरे माइंड में आ सकती है तो आपके माइंड में क्यों नहीं आ रही, आनी चाहिए, यू नो। ऐसा आपने जो ये बात की ना कि सब कॉन्टिनेंट का आपने कहा कि जो एक हमारा प्रॉब्लम रहा है कि ये इंस्पिरेशन जो है उसका अदब, यानी उस पर हम क्रिटिक नहीं करते, जो भी आइडियाज़ हैं इंस्पायर्ड हो जाते हैं उनसे, तो आप ये बात जो कह रहे हैं ये आप यानी इंस्टीट्यूशंस की लेवल पे कह रहे हैं कि जो जहाँ पे एकेडमिक एक्टिविटी हो रही थी वहाँ पे भी लोगों ने इस तरह किया कि वहाँ पे कोई बड़ा नाम आ गया है तो उसको उन्होंने बस फॉलो करना शुरू कर दिया, या आप एक अवामी सतह पे कह रहे हैं? नहीं, एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि एक बड़ा आदमी पैदा हुआ तो उसके बाद दूसरा बड़ा आदमी क्यों नहीं पैदा हुआ उसी ट्रेडिशन के अंदर, तीसरा बड़ा आदमी क्यों नहीं पैदा हुआ,
वो तवातुर के साथ क्यों नहीं पैदा हुए और ज़्यादा ताकतवर आदमी क्यों नहीं पैदा हुए। एक आदमी पैदा हो गया फिर सब लोग उसकी तारीफ करते रहे और दूसरे सब लोगों ने भी उसकी बहुत तारीफ की और सब लोग तारीफ करके घर चले गए और जो ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्होंने जो मॉडल्स लिए उनका उस इंसान की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था। तो उसकी वजह ये हुई कि लोगों ने कहा ये बहुत अच्छी बात तो है लेकिन काबिल अमल नहीं है, मैं कैसे इस पर अमल करूँ। तो वो काबिल अमल इसलिए नहीं हो पाई कि उसकी जो लिमिटेशंस थी वो लोग उस वक्त तो पी गए चुप करके और मोहब्बत में एहतराम में उन्होंने नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि वो डेड हो गई थॉट। कुछ अरसे के बाद वो आइडियाज़ बेचारे पुराने हो गए, वो लोग जो उससे इंस्पायर थे वो सब मर गए और जो नए लोग आए उन्होंने कहा क्या आप मुझे बताते रहते हैं इनकी क्या है इनमें कौन सी इसमें ऐसी बात है, क्योंकि वो एक नए वो जिन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से निकल के आ रहा था वो अजनबी था वो इंसान उसके लिए। अल्लामा इकबाल मैं आपको बता रहा हूँ अजनबी हैं लोगों के लिए। उसकी वजह ये कि वो ट्रांसलेट होकर इंस्टीट्यूशनल होकर नीचे तक आए नहीं अल्लामा इकबाल। तो वो जनरेशन जो अल्लामा इकबाल से मुसासिर थी जो दरियाओं के रुख मोड़ने चाहते थे वो सब बेचारे बूढ़े हो गए और बहुत सारे उसमें मर गए, समझे। तो उसमें ये होता है कि एक बड़े आदमी के बाद दूसरा बड़ा आदमी और तीसरा बड़ा आदमी और चौथा बड़ा आदमी उस वक्त पैदा होता जब उस थॉट को ज़िंदा रखते लोग। थॉट ज़िंदा रहती है जब वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, इंस्टीट्यूशन में दाखिल हो जाए, इंस्टीट्यूशन को मॉडल मोल्ड करना शुरू करे। जब वो इंस्टीट्यूशन में आती है ना थॉट तो उसकी वीकनेसेस पता चलती रहे ये तो ये वर्क नहीं करेगा। तो फिर आपके पास इतना ज़हीन आदमी होना चाहिए जो उस इंस्टीट्यूशनल बैकिंग के अंदर उसको ठीक करे। प्रॉब्लम ये होता है कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज जब नहीं हो पाती तो लोग इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए दूसरी थॉट ले लेते हैं और खुश होने के लिए या तारीफ़ करने के लिए या पसंद करने के लिए या मोहब्बत करने के लिए उस थॉट को रख देते हैं। वो थॉट मोहब्बत करने के लिए थोड़ी थी। अच्छा लेकिन इसके अंदर आपने 200 साल कहा ना, तो ये जो जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं उस ज़माने में जो मुसलमानों की यहाँ कैफियत थी तो शायद उसकी रेसिपी ही इंस्पिरेशन नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। तो जब वो आज़ाद हो गए तो उस रेसिपी की अब ज़रूरत नहीं। हाँ तो इशू तो ये होता है कि वो आइडिया जैसे आपने कहा था कि वो उस ज़माने और जैसे इकबाल को देखे तो इकबाल एक बड़ा आदमी है लेकिन उसके पीछे हाली है ना। हाँ तो हाली से बड़ा आदमी निकला ना। हाँ और फिर जब वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया तो पाकिस्तान बन गया। अब वो फिर जो यहाँ जब पैदा होना था वो हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बहस है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो उस ज़माने की रिक्वायरमेंट को करने के लिए था और आजकल की ज़माने की रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो हमें नए किस्म का आदमी चाहिए तो आप जैसे लोग आए। नहीं मसला ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लामा इकबाल की वजह से काम नहीं हुआ। अल्लामा इकबाल जितने बड़े आदमी थे ना उनका वो असर उतना हुआ नहीं पाकिस्तानियों के ऊपर जितना के उसका होना चाहिए था। मैं जितना अल्लामा इकबाल को पढ़ा है उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि वो लोगों ने कहा कि ये इवेंट बेस्ड है, ये इवेंट कंप्लीट हो गया, इवेंट हो गया। इवेंट बेस्ड नहीं होती थॉट, तो प्रोसेस होता है ना, तो उसमें उसके वो कंटिन्यू करनी चाहिए थी उस लेगेसी के साथ ताकि वो इंसान जो अल्लामा इकबाल सोच रहे थे वो बनता, तो फिर हम कहते हैं थॉट मैच्योर हो रही है। वो थॉट थी और उसके बाद वो आदमी जिसको अल्लामा इकबाल ने विजन किया था उस पर अगर लेट सपोज कायदे आज़म पूरे उतर गए, ठीक है, या मौलाना मोहम्मद अली पूरे उतर गए या शौकत अली पूरे उतर गए, दो तीन पूरे उतर गए और उसके बाद बाकी सब लोग जो है वो नहीं उतर पाए, वो बहुत बड़े कैनवस पे नहीं उतर पाए। तो मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं पैदा हुए, मैं कह रहा हूँ अल्लामा इकबाल के बाद और एक बड़ा आदमी जैसे फैज़ अहमद फैज़ वगैरह पैदा हुए और बाकी हम लोगों ने ज़्यादातर जो थे वो सारे बोरोड टाइप के थे और वो यानी कि नेशंस जो थी वो तवातुर के साथ बड़े लोग पैदा करती रहती हैं तो वो खड़ी रहती हैं, लेकिन अगर वो रुक जाएं और वो स्टैग्नेंट कर दें थॉट को तो फिर
लोग कहते हैं कि ये एक स्टैगनेंट थॉट है, इसको हम फॉसल्स रेलिक्स की तरह आपने म्यूजियम के अंदर तो रख लेते हैं लेकिन उसको ज़िंदगी में नहीं बरतते, यानी कि आइडियाज़ भी जो होते हैं ना वो शोकेस की तरह होते हैं कि आपने ये आइडिया को शोकेस में रख दिया फॉसल्स की तरह, लेकिन जिंदा अलाइव आइडियाज़ जो होते हैं ना वो तो प्रैक्टिस हो रहे होते हैं। तो अगर एक थॉट की सब्सटेंटिव क्रिटिक ना हो ना तो वो इंस्पायर तो कर देती है लेकिन वो इंस्पिरेशन का असर जब ख़त्म होता है तो लोग उससे छोड़ देते हैं। जैसे मार्क्स को ले लें, मार्क्स ने जो ख्यालात पेश किए यूरोप में उसकी बुनियाद पर एक भी रेवोल्यूशन एग्जैक्टली मार्क्सिस्ट थॉट में नहीं आया, क्योंकि मार्क्स कहता था कि भाई रेवोल्यूशन तो आएगा कहाँ पर, जर्मनी में आएगा, बर्तानिया में आएगा, फ्रांस में आएगा, ये तीन जगह पे आएगा रेवोल्यूशन, क्योंकि कैपिटलिज्म सबसे ज़्यादा मेच्योर जहाँ पे होगा वहीं आएगा, लेकिन वहीं पे नहीं आया। वो कहाँ आया? रशिया में आया, वो आया चाइना में आया, लैटिन अमेरिका में आया, यू नो व्हाट आई मीन, अफ्रीका में आया, मिडल ईस्ट के अंदर आए। उसकी वजह क्या थी? उन्होंने कहा भाई मार्क्स ने तो कहा बहुत कुछ कहा लेकिन देखो इसमें तो ये मसले ये मसले, लेनिन ने री इंटरप्रेट कर दिया मार्क्स को, माओ ज़ेदुंग ने री इंटरप्रेट कर दिया मार्क्स को। अब ये कि माओ या ये मैं नहीं कह रहा कि सही है, उन्होंने उसकी क्रिटिक की, उन्होंने कहा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हमने कहा तो फिर तो कभी नहीं आएगा रेवोल्यूशन, तो उन्होंने उसको री इंटरप्रेट किया और उसको अप्लाई कर दिया। लैटिन अमेरिकन्स ने, मार्क्स कहता था कि भाई जब तक के रिलीजन की जड़ नहीं काटोगे ना इनकलाब नहीं आएगा, लैटिन अमेरिकन ने कहा भाई रिलीजन की हमने जड़ काटी तो कुछ भी नहीं होगा। तो लैटिन अमेरिकन ने क्या किया, रिलीजन को साथ मिलाकर इनकलाब लेके आया। ये जो फ्यूडल कास्ट्रो है और चे गुवेरा ये एंटी रिलीजियस नहीं थे, तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी रही और मार्क्सिज्म भी लेके आया। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कोई भी बड़ा थिंकर जो होता है वो कोई थॉट जब देता है तो उसकी क्रिटिक करते हैं लोग और क्रिटिक करने के बाद उसको लेकिन वो सब अपने आप को मार्क्सिस्ट ही कहते हैं, दे ऑल कंसिडर देमसेल्व्स एज मार्क्सिस्ट, यू नो। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि मार्क्स एक बड़ा आदमी था लेकिन अल्लामा इकबाल भी कोई इतने छोटे आदमी नहीं थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे माशरे के अंदर मैं ऐसा समझता हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि मैं जो समझता हूँ, कम से कम इस पे तो आप लोग क्रिटिक कर लेंगे भाई आपका ख्याल बिल्कुल गलत है और ये ठीक वो ठीक तो वो जो है ज़रूरी नहीं है कि मेरा ये ख्याल से एग्री करें, लेकिन ये कि मेरा ये व्यू यही है कि जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें जब ख्यालात आ रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पर इंसान रुक जाता है कि यार ये बुरा ना मान ले या ये पर्सनल ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी थॉट अब मैं अगर आपको लगे कि इसमें कोई फ्लॉ है या तो यू कैन डिस्कस, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी किया, यही ऑब्जेक्टिव है इसका कि इसको एक्सप्लोर हो जाए और अगर फ़र्ज़ किया इसमें कोई ख्याल में कोई कमज़ोरी है तो वो रफ़ा हो जाए और दूसरे लोग उससे अफेक्ट ना, क्योंकि आइडियाज़ जो होते हैं वो एपिडेमिक होते हैं, वो फैल जाते हैं और फिर वो प्रॉब्लम करते हैं लोगों के लिए। ठीक है, अभी यहीं, हाँ यस क्वेश्चन है, दो पार्ट क्वेश्चन है, एक तरह के क्या इस कोर्स में जो सिखाया जा रहा है अगर कोई अपने इंफ्रारेडी तौर पे सीखने की कोशिश करता है, नहीं 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 बिल्कुल आ सकता है, इतना खतरे की भी बात नहीं है, नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और दूसरा ये कि क्या ये बातें पहले आम फहम थी जो अब गायब हो गई हैं या लोगों का पता नहीं है क्या, जिसकी वजह से अब हम दोबारा से इसको पढ़ रहे हैं या नहीं? नहीं, मसला ये है कि नहीं, हम इसे आम नहीं करना चाह रहे, हम तो ये चाह रहे थे कि जब एक डिस्कशन हो तो उसमें कुछ लोगों के पास वो कॉन्सेप्ट जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी एकेडमिक रूट्स उनको पता चल जाए, सिर्फ यही है। अगर नहीं भी पता तब भी वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं और सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे उसमें उसका मकसद ही है कि हम रीविज़िट करें उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रीविज़िट करें दोबारा से। इसकी उसमें जो इन्होंने दूसरा पार्ट किया था कि वो
بیچ میں سے غائب ہو گئے. تو جب آپ علامہ اقبال اور ان کی بات کر رہے تھے, اب آج کل کے بچے تو میرے خیال میں نہیں پڑھتے ہیں, تو آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ اتنے جو بڑے لوگ جو پیدا ہوئے تھے ان کو ایک طرح سے غائب کر دیا گیا, سائڈ لائن کر دیا گیا, تو جو تھاٹس جو تھیں جن پہ کوئی کچھ آگے بڑھتا یا کچھ اس سے سیکھتے ہم, تو آپ کے خیال میں کچھ ایسا نہیں؟ کیونکہ دیکھیں میں نے 78 میں بیچلرز کیا تھا, تو اس وقت تک جتنا ہماری اس زمانے میں لوگ تھے, اقبال کو بھی پڑھتے تھے, حالی کو بھی پڑھتے تھے, اب کتنا عرصہ ہوا ہے, لوگوں کو علامہ اقبال کا نام بھی نہیں مانا. صحیح, بالکل صحیح. ہاں, تو ان لوگوں کو مجھے لگتا ہے علامہ اقبال کا نہیں, وہ تو غالب کا بھی نام. غالب, غالب تو اردو ہی ختم ہوگی نا. جی, لینگویج نہیں ہوا کہ ان لوگوں کو سائڈ لائن کر دیا. دیکھیں یہ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ چونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ آف فلاسفی ہوں, تو ہم یہ کہہ اگر یہ ایک کنسپریسی بھی ہو سکتی ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک سازش کے تحت ایسا ہوا ہوتا تو زیادہ دیر تک سازش برقرار نہیں رہتی. صحیح ہے, تو اگر تو یہ سازش ہی تھی تو انشاءاللہ یہ برقرار نہیں رہے گی, دوبارہ سے انکارپوریٹ ہو جائیں گے وہ. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک اس کے پیچھے تھاٹ ہے, کہ وہ تھاٹ جو کہ علامہ اقبال سے نکل کے آ رہی تھی, ہمارے بڑوں سے نکل کے آ رہی تھی, وہ فریم ورک لوگوں کے خیال میں ورکیبل نہیں رہا. لوگوں کی نے جن آئیڈیاز کو ایڈاپٹ کیا ہے, انہی آئیڈیاز کو ہیومن نیچر کے حوالے سے, نالج کے حوالے سے, پالیٹکس کے حوالے سے, ریلیجن کے حوالے سے, سائنس کے حوالے سے ہم دوبارہ سے ری وزٹ کر رہے ہیں. اور یہ جب ہم ری وزٹ کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا کہ بہت سارے جو لوگ جو بڑے ریلیونٹ اور بڑے پرٹیننٹ ہیں وہ آبسولیٹ کیوں لگنے لگے لوگوں کو. وہ انشاءاللہ ان سوالات کے ہم جوابات لینے کی کوشش کریں گے اور ان کو دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا. اور آج ہمارے پاس کیا آپشنس موجود ہیں, آج ہمارے پاس کیا پاسبلٹیز ہیں. بہت سارے لوگ بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں ہمارے ارد گرد, تو ان کے ساتھ جڑنا بھی ضروری ہوتا ہے, ان لائک مائنڈیڈ لوگوں کا, کیونکہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے. ایک زمانے میں جب بہت ساری چیزیں کرتا تھا تو میرا یہ خیال تھا کہ شاید میں اکیلا ہی ہوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں. پتہ چلا کہ ایک آدمی لنڈن اسکول آف اکنامکس چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھا ہوا پڑھا رہا ہے وہ, تو ان سے پڑھا ہم نے جا کر, انہوں نے ہمیں پڑھایا, چیزیں بتائیں, بہت ساری چیزیں پڑھائیں, کتاب پڑھنا پورا الگ سے طریقہ بتایا کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح تھوڑی پڑھتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں, اس طرح پڑھتے ہیں. تو ہم نے بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی, اس کے بعد ہم نے دوسروں کو بھی سکھائیں, پتہ چلا بہت سارے لوگ ہیں. یعنی کہ سلمان بھائی کا مجھے تھوڑی پتہ تھا کہ سلمان بھائی یہ ادارہ چلا رہے ہیں, اتنے عرصے سے چلا رہے ہیں, پتہ چلا وہ چلا رہے ہیں. مجھے یہ نہیں پتہ تھا اسکول سے متعلق ڈاکٹر عرفان یہ کر رہے ہیں. تو جب انسان کچھ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے رہتا ہے دوسرے بھی لوگ کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس کے اثرات اگلے 20-25-30 سالوں کے اندر لوگوں تک پہنچیں گے, کیونکہ کچھ جنریشنز تو پیدا ہو رہی ہیں نا, جو نئی جنریشن ہے وہ بھی پیدا ہو رہی ہے. لیکن جو یونیورسٹیز کے اندر میں دیکھ رہا ہوں, جو یونیورسٹیز کے اندر ہو رہا ہے وہ بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے اور بہت ہی سپرفیشل ہے, بہت نیرو ہے, اور بہت زیادہ اس کا اس وجہ سے پھر ہم نے دوسرے ایونیوز بھی اوپن کیے, جیسے سائی وال چلے جاتے ہیں وہاں پہ لیکچرز دے دیتے ہیں, انٹیریئر سن چلے جاتے ہیں وہاں لیکچر دیتے ہیں. وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے مجبور و بے بس نہیں ہوتے, وہ واقعی سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے وہ سیکھتے زیادہ ہیں, ان کا جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہوتا ہے زیادہ ہائی ہوتا ہے, ان کی کمٹمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس طرح ہی ایک دوسرے سے ہم سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. جو کوشچن جو انہوں نے کیا ہے کہ انسپریشن کے علاوہ دوسرے فیکٹرز بھی ہیں جو آئیڈیاز کی انڈرسٹینڈنگ کو افیکٹ کرتے ہیں, دیر آر انیومریبل پاسبلٹیز وچ کریٹ لاٹ آف پرابلمس ان گراسپنگ آئیڈیاز. تو میں نے انسپریشنل انٹلیکچولیزم کی بات اس لیے کر دی کہ مجھے ایسا لگا کہ جو لوگ یہاں پہ جمع ہیں وہ ایک جذبہ احترام کے تحت تو خدا نخواستہ جمع نہیں ہے جذبہ احترام کے تحت,
تو جمع نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کم از کم اس لیکچر کے لیے یہ نہ ہو, ورنہ آئیڈیا مس سوشل کنسٹرکشنز آر ڈائریکٹلی افیکٹ دی انڈرسٹینڈنگ آف دی آئیڈیاز, دا ہسٹوریکل پروسیس ڈائریکٹلی یو نو افیکٹ دی انڈرسٹینڈنگ آف آئیڈیاز. اکارڈنگ ٹو ہیبرماس یو نو ویری ویل دیٹ وی آر لیونگ ان اے ورلڈ ویچ از سسٹمیٹیکلی بین ڈیولپڈ ان اے مینر دیٹ سم آئیڈیاز شوڈ بی ایکسیپٹیبل اینڈ سم آئیڈیاز شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل. سو وی آر کنفرنٹنگ ود اے فینامنا ان وچ سسٹمیٹک ڈسٹارشن آف کمیونیکیشن از بینگ انڈر وے. سو دیر آر انیوبریبل فیکٹرز, بٹ واٹ آئی ایم انٹرسٹڈ ان دس کورس دیٹ یو شوڈ ناٹ بی اوور برڈنڈ بائی دا سینس آف پائٹی اور بائی دا سینس آف کمٹمنٹ اور بائی the sense of inspiration, right? You should be motivated by the spirit of understanding. By the spirit of understanding should be the fundamental objective which unite us together rather than inspiration. Theek hai bhai.